अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो वेलकम टू होम्स एंड साहिवाल अफिलिएटेड विद प्राचा रियलिटी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 मरला का डबल स्टोरी घर है ये, और ये जीवन सिटी फेज़ 1 में वाक़ है। ये इस घर का कार पोर्च है गाड़ी के लिए, और यहाँ पे आप इजीली 2 गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर सकते हैं। बाकी आप इस घर की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि कार पोर्च में किस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है। ये सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है, उसका दरवाज़ा है, और साथ में जो है वो फर्स्ट फ्लोर का डोर दिया गया है। ये आप गैराज की जो सीलिंग का डिज़ाइन है और वॉल पे जो डिज़ाइन आ रहा है, इसको बिल्कुल सेम रखा गया है। इसके अलावा अंदर जाते ही राइट साइड पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, जहाँ के पे आपका वो बेसन वगैरह लगा हुआ है और कनेक्शन है आपके पानी का, जिसे आप लॉन्ड्री एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ड्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी गाड़ी जो है वो वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये डोर जो है ये फर्स्ट फ्लोर का डोर है ऊपर जाने के लिए, अगर आप घर ले कर उसको रेंट आउट करना चाहते हैं। ये सेंटर वाला डोर जो है ये मेन एंट्रेंस का डोर है, और जो लेफ़्ट साइड पे डोर आपको नज़र आ रहा है ये ड्राइंग रूम को कनेक्ट करता है आपके कार पोर्च से। कार पोर्च से जो घर की ये 2 स्टेप दिए गए हैं, सीढ़ियां हैं, घर ऊंचा बनाया गया थोड़ा सा, तकरीबन कोई 2 फुट ऊंचा है। और अभी हम एंटर हो चुके हैं जी। ये आप देख रहे हैं ये टाइल्स का डिज़ाइन देख लें, ये टीवी लाउंज है। ग्राउंड फ्लोर पे जो टीवी लाउंज है ये उसका डिज़ाइन है। बाकी आप ये टीवी लाउंज का डिज़ाइन देख सकते हैं सारा, इस पे जो टाइल्स यूज़ की गई हैं। ये सीलिंग का डिज़ाइन है ग्राउंड फ्लोर पे टीवी लाउंज की सीलिंग, और ये सामने आपको वॉल पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और इस घर में ये इंटरकॉम है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग वॉलपेपर यूज़ किया गया इसमें। ये स्पेस आपकी एलईडी की स्पेस है, ये देखें। और ये जो डोर आपको नज़र आ रहा है ये आपके टीवी लाउंज को कनेक्ट करता है आपके ड्राइंग रूम से। तो चलिए आपको अंदर ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम पे टाइल्स आप देख सकते हैं कि किस नौइयत की हैं। या ये ड्राइंग रूम की सीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग है। ये अच्छे डिज़ाइन है सीलिंग के इस घर में यूज़ किए गए हैं, और नीचे टाइल्स का डिज़ाइन जो है वो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का सेम रखा गया है। ये सामने डोर जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके कार पोर्च से अंदर आता है ड्राइंग रूम की तरफ, ये देखें। ये डोर है जो आपके ड्राइंग रूम को कार पोर्च से कनेक्ट करता है। ये अटैच वॉशरूम है जी, जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच है ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलिए इसको अंदर से हम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें जो वॉशरूम जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच है उसकी ये डिज़ाइनिंग देखें आप, टाइल्स की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है टाइल की।
अच्छी क्वालिटी की, अच्छे डिज़ाइन की टाइल्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं इसमें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टाइल्स। टीवी लॉन से जब हम आगे आते हैं तो राइट साइड पे हमें एक बेडरूम मिलता है, बेडरूम नंबर 1। ये पहला बेडरूम है जी, और आप देख सकते हैं कि वो वॉशरूम के ऊपर एक छोटा सा स्टोर बनाया गया है, और ये पहले बेडरूम की सीलिंग वगैरह का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। पहले बेडरूम में ये कपबोर्ड है जी, आपके कपड़ों की अलमारी, काफ़ी बड़ी अलमारी है, काफ़ी स्पेस है इसमें। ये देखें, उसके अलावा इसके साथ पेशियो है लाइट और हवा के लिए। ये तकरीबन इस घर में हर बेडरूम के साथ आपको कनेक्टेड मिलेगा, और ये वॉशरूम के ऊपर जो आपको मैं पहले बता रहा था छोटा सा स्टोर है, ये भी तकरीबन हर रूम में आपको मिल जाएगा। और ये पहले बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है, ये उसमें टाइल्स का डिज़ाइन है। तो इस घर में भी टाइल्स जो हैं वो पहले वॉशरूम से डिफरेंट जो है वो कलर यूज़ किया गया है, और ये ऐसा ही होना चाहिए, अच्छी बात है ये। ये देखें टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ये एक्सेसरीज़ वगैरह जो वॉशरूम में यूज़ की गई हैं पहले बेडरूम के साथ, ये अटैच वॉशरूम है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जब हम टीवी लॉन से आगे आते हैं तो फ्रंट पे भी आपको एक बेडरूम मिलता है, और ऊपर ये छोटी सी लॉबी वगैरह है। ओवरऑल आप इसका डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए जी आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। ये दूसरा बेडरूम है जी, वॉल्स का कलर, पेंट और डिज़ाइन जो है वो आप देख सकते हैं इसका भी। ये सीलिंग है जी दूसरे बेडरूम की। इसके अलावा ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये स्टोर है छोटा सा, और सामने आपको कपबोर्ड नज़र आ रहा है जी। ये आपके कपड़ों की अलमारी है, और लेफ़्ट साइड पे आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है दूसरे बेडरूम के साथ भी, और इसमें भी टाइल्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ की गई हैं। तो आप डिज़ाइन जो है टाइल्स का वो देख सकते हैं, और इसकी जो सीलिंग है उसको सिंपल रखा गया है। माशाल्लाह ये टाइल्स का डिज़ाइन आप देख लें। ये दूसरे बेडरूम का अटैच वॉशरूम है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अलावा ये फ्लोर देख लें आप, फ्लोर पे कैसा कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स के साथ।
इसके अलावा पैशियो जो है वो इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है और ये एक ज़रूरी चीज़ है किसी भी घर में। तो बाहर आते हैं तो राइट साइड पे आपको किचन मिलता है जी, जिसके फ्लोर का टच वुडन फ्लोर है और फुल फ्लोर और जो केबन्स हैं किचन के उनको मैच किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये देखें किचन में जो लकड़ी का काम किया गया है बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर है ये। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि आपको बाद में हमें कॉल्स करनी पड़ती हैं कि कितने बेडरूम हैं, कितने किचन हैं, कितने टीवी लाउंज हैं। तो वीडियो में ऑलमोस्ट हम हर चीज़ जो है वो डिटेल से आपको बता देते हैं। किचन के अंदर एक डोर है जिसको हम ओपन करते हैं तो ये छोटा सा लॉन्ड्री एरिया है, इसको आप पैशियो भी कह सकते हैं और लॉन्ड्री एरिया भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, लॉन्ड्री एरिया को भी किचन से एक्सेस दी गई है। इसके अलावा ये जो रेलिंग वाला डोर यूज़ किया गया है ये अपर फ्लोर के लिए किया गया है। हम चल के देखते हैं कि बाहर से जो कार पोर्च से जो डोर दिया गया वो ओपन है या नहीं है। तो ये डोर ओपन नहीं है जी, हमें रेलिंग वाले डोर से ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये देखें जी, अब हमने इसको ओपन किया है। ये देखें, जब आप एंटर होंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए तो आपको एक छोटी सी स्टोरेज मिल जाती है यहाँ पे भी। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये छोटी सी स्टोरेज है और ये बहुत अच्छा साइन है। किसी भी घर में स्टोर और लॉन्ड्री एरियाज को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। और ऊपर जाते हुए स्टेयर से ये सामने देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत कोरियन वॉलपेपर जो है वाटरप्रूफ वो यूज़ किया गया है। ये देखें, माशाल्लाह जी खूबसूरत डिज़ाइन है घर का। स्टेयर्स का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं और ये सामने आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है जिससे आप फर्स्ट फ्लोर पे जो पोर्शन है उसमें एंटर होते हैं। तो चलें जी इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें जी, ये एंटर होते ही आपको एक बहुत खूबसूरत और लग्जरी टीवी लाउंज मिलता है जी फर्स्ट फ्लोर पे, और ये उसकी सीलिंग है। और ये सामने आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है, ये आपकी प्ले से एलईडी की, जो एलईडी आप टीवी लाउंज में यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल ये लुक है जी टीवी लाउंज की। इसके अलावा जब आप फर्स्ट फ्लोर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको जो एक रूम मिलता है, ये बेडरूम नंबर 3 है जी इस घर का। ये देखें खूबसूरत डिज़ाइन है टाइल्स का, और ये इसकी सीलिंग है बेडरूम नंबर 3 की, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे पहला बेडरूम है।
और इसके साथ जो है वो अटैच वॉशरूम मिलता है आपको। इस वॉशरूम की टाइल्स भी आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और दूसरे वॉशरूम से बिल्कुल अलग रखा गया इसको भी। ये देखें, इसके अलावा इसका एक डोर जो है वो दूसरे बेडरूम से भी कनेक्टेड है, तो ये डोर हम बंद करते हैं। वॉशरूम आपने देख लिया है। तो ये है जी रूम, और रूम में से ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये मेन जो आपका फ्रंट टेरेस है उसका डोर है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले इसकी आप सीलिंग देख लें बेडरूम नंबर 3 की। तो चलें जी आपको अब टेरेस दिखाते हैं इस घर का, बहुत ही खूबसूरत टेरेस है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक है, और इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत खूबसूरत है जी। और ये किसी डेवलपर का घर नहीं बना हुआ, ये ओनर ने ख़ुद अपने लिए बनाया है जी, और अभी वो सेल करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, ये टेरेस था जी, 7 मरला डबल स्टोरी घर है ये, जिसका आपको हम विज़िट करवा रहे हैं। तो हम अगेन आ गए हैं जी टीवी लॉन्ज में, ये देखें। और इससे 7 वाला जो रूम है बेडरूम नंबर 4 जो है वो आपको अब विज़िट करवाते हैं। ये बेडरूम नंबर 4 है जी, इसके आप टाइल्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। उसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन है, और ये वॉल्स का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल के हैं। और ये वॉशरूम जो है अटैच वॉशरूम है, जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। और ये सीलिंग का डिज़ाइन है, तो टीवी लॉन्ज में से ही जो आपका लॉन्ड्री एरिया था, पैशियो था, वहाँ पे एक छोटी सी स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अपनी कुछ चेयर वगैरह डाल के बैठ सकते हैं, और अगर बारिश वगैरह हो रही है तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें जी, ये एक टेबल है जो किचन के साथ है बिल्कुल, और यहाँ पर आप अपनी चेयर्स डाल के यहीं पर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। और ये बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल जो है वो है, ये जो अभी मतलब के आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहा है साहिवाल में। इसके अलावा आप डिज़ाइन देख सकते हैं किचन का, लकड़ी का काम कितना खूबसूरत किया गया है किचन में, वो भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। इसके अलावा किचन से आगे ये देखें, ये बेडरूम नंबर 5 है, और ये ऊपर छोटी सी लॉबी की लाइट है। ये देखें जी, ये बेडरूम नंबर 5 फर्स्ट फ्लोर पे 5वां बेडरूम, और ये सामने आपको कपबोर्ड देखने को मिल रही है, आपके कपड़ों की अलमारी, और इस बेडरूम का भी आप सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं।
ये कपबोर्ड है जी, कपड़ों की अलमारी है बहुत बड़ी, और इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, और राइट साइड पे पैशियो है जो लाइट और हवा के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा ये देखें जी, ये वॉशरूम का डिज़ाइन है, जो टाइल्स यूज़ की गई हैं वॉशरूम में, ये उनका डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम करवाया गया इस घर में भी। और बेडरूम नंबर 5 से बाहर आते हुए लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है जी लॉन्ड्री एरिया, जो कि किसी भी घर में बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे जो है आप अपनी चेयर्स वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से शेड से कवर भी किया गया है कुछ हद तक। ये पैसी, ये आपका लॉन्ड्री एरिया है, बहुत खूबसूरत लॉन्ड्री एरिया। तो ये था जी 7 माले का, बहुत ही खूबसूरत घर है ये। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमसे बिल्कुल रابطہ कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा है। और चलें जी, आपको थर्ड ऊपर सेकंड फ्लोर जो है वो भी दिखा देते हैं। स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं अब टॉप पे, सेकंड फ्लोर जो है। तो ये देखें स्टेयर्स का जो डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, यहाँ पे मार्बल वगैरह लगा हुआ है। और ये माउंटी है जी, आपको आप इसको एज ए स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत, मतलब इसकी भी काफ़ी स्पेस है। ये देखें, ये काफ़ी स्पेस है इसकी। ठीक है जी, तो अभी हम आ चुके हैं जी छत पे। ये आप देख सकते हैं कि ये जीवन सिटी फेज़ 1 है, और यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी जो है वो आबाद है साहिवाल की। यहाँ पे भी आपको लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और साथ में एक वॉशरूम भी मिल जाता है। वॉशरूम जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट में हमें बताया करें कि आपको घर कैसा लगा। तो आपका एक कमेंट जो है उससे हमको काफ़ी हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है उससे, कि हम आपके लिए मज़ीद नए घरों की वीडियोस लेके आएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी हमारा दोस्त इंटरेस्टेड है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।